हाय एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ क्यूनेट इंटा कलर अल्टीमेट ब्लॉन्ड सीरीज में से 1012 नंबर की ट्यूब, और इसका नेम जो है एश पर्ल ब्लॉन्ड, और इसके ऊपर लिखा हुआ है 1:1 का रेशो, और यहाँ पे इसके प्राइस भी मेंशन है 510 रुपीज में जस्ट आपको ये ट्यूब मिलेगा। डेवलपर जो है उसकी प्राइस अलग से है। यहाँ आप देख रहे हो टिंटा कलर अल्टीमेट ब्लॉन्ड के शेड्स विद नंबर, जिसमें से कूल टोन के कलर भी हैं और वार्म टोन के कलर भी हैं। मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी भी शेयर किए हैं, 1519 शेयर किया हुआ है, कूलेस्ट कलर है 2000 शेयर किया है, वार्म कलर है। इसके अलावा भी मैंने शेयर किए हैं, और भी शेयर करूंगी। यहाँ पे अगर आप कार्ड देखो, इनका शेड कार्ड देखो, इसमें से जो मैं आज शेयर करने वाली हूँ 1012, ये स्पेशल ब्लॉन्ड की सीरीज है, उसमें से ये कलर है। इसमें 1000 है नेचुरल ब्लॉन्ड, 1001 है एश ब्लॉन्ड, 1012 है एश पर्ल ब्लॉन्ड, जो मैं आज शेयर करूंगी 1032 है बेज ब्लॉन्ड, जबकि 1033 है हेजल नट ब्लॉन्ड। सो ये स्पेशल ब्लॉन्ड में से कलर है, इसमें 5 कलर है। ये सारी ब्लॉन्ड के शेड इनके टोन वगैरह में डिफरेंस है। डायरेक्ट लिफ्ट और वन कलर के लिए अच्छी ऑप्शन है, फुल बेस कलर भी आप इसके साथ चेंज कर सकते हो। 40 वॉल्यूम के साथ मैं 1012 नंबर की ट्यूब को सजेस्ट नहीं करूंगी। 40 वॉल्यूम से यूज करने के बजाय आप इसको कट डाउन वाले हेयर पे यूज कर लो 10 वॉल्यूम के साथ, तो वो बेटर है। अदरवाइज आप इसको डायरेक्ट 40 वॉल्यूम के साथ यूज करोगे तो ये आपको डैमेज ही देगा और इसका कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। सो 20 वॉल्यूम के साथ आप इसको डायरेक्ट अप्लाई कर लो, लेस डैमेजिंग होगा और आपको बहुत अच्छा सा बेस कलर दे देगा। यहाँ पे मेरे सैंपल हेयर्स हैं, ये मेरे खुद के हेयर्स हैं, मैंने अपने हेयर स्ट्रीम किए हैं, तो ये मेरे खुद के हेयर्स हैं, 7 लेवल के ये हेयर्स हैं। इसके ऊपर भी अप्लाई करके आपको दिखाऊंगी कि क्या टोन में डिफरेंस आएगा। और मैं बता दूं, इसके साथ ज्यादा लिफ्ट नहीं होगी क्योंकि ये कूल टोन का कलर है। नेचुरल ब्लॉन्ड, सुपर ब्लॉन्ड और अल्ट्रा ब्लॉन्ड के जो कलर्स हैं वो आपको ज्यादा लिफ्ट देंगे। ये कलर बेस कलर के लिए और ऑलरेडी हेयर्स पे कलर अप्लाई किया हुआ है उसको चेंज करने के लिए आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट सैंपल यहाँ पे जो मैंने आपको दिखाया था, ये मैंने रेड कलर किया था उसका सैंपल था, और ये वाला जो सैंपल है इसके ऊपर मैंने एश ग्रीन कलर किया था। सो इसको भी मैं चेक करूंगी इसकी बेस पे क्या कलर जाता है और एश ग्रीन पे क्या कलर जाता है, जो कट वाला हेयर है उस पे क्या कलर जाता है। यहाँ पे कलर बना लेते हैं, और जो अल्टीमेट ब्लॉन्ड की ट्यूब्स होते हैं वो व्हाइट कलर में आती हैं। सो यहाँ पे मैं कलर ले लूंगी, मैंने तकरीबन 5 ml कलर लिया होगा, और उतना ही मैं इसमें डेवलपर डालूंगी, 20 वॉल्यूम का डेवलपर, और मेरा डेवलपर थोड़ा सा कम पड़ गया, मुझे आइडिया नहीं था। सो यहाँ पे मैं बी मोड का ऐड कर रही हूँ डेवलपर, ये भी 20 वॉल्यूम में है, थोड़ा सा ऐड करूंगी। और कलर मुझे कम लगा तो उसको भी मैंने इक्वल रेशियो में करना था, 1:1 रेशियो का, सो मैंने इक्वल रेशियो कर लिया। और यहाँ पे मेरे हेयर सैंपल्स में इसके ऊपर कलर अप्लाई करूंगी। अब इसको अच्छे से मिक्स करके जितना कलर होता है उतना ही डेवलपर डालना है, तो इसको कहते हैं 1:1 का रेशियो, या फिर इक्वल रेशियो भी आप बोल सकते हो। और यहाँ पे मैं इसको अपने सैंपल हेयर्स पे अप्लाई कर दूंगी, और मैं इसको तकरीबन 50 मिनट्स तक मैं रखूंगी या घंटे तक रखूंगी। 20 वॉल्यूम के साथ अप्लाई किया है तो इसको आप घंटा भी रख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। और यहाँ पे आपको बता दूं, ये 1012 का ट्यूब जो है 50-70% तक ग्रे कवरेज देगा, और अगर आप इसको अपने ब्लैक हेयर्स पे करोगे 20 वॉल्यूम के साथ तो ये आपको मैट ब्लॉन्ड शेड देगा, और अगर आपके ब्राउन हेयर्स हैं उस पर आप कलर करते हो तो ये आपको 7 लेवल तक कलर देगा, जैसे मेरे हेयर्स का सैंपल मैंने आपको पहले दिखाया था। यहाँ पे मैंने इसको अप्लाई करके रख दिया था, कुछ टाइम बाद मैंने इसको ब्रशिंग की और यहाँ पे मैंने इसका कलर निकाल दिया है, और ड्राई होने के बाद आप ये रिजल्ट्स देख रहे हो यहाँ पे किस तरीके से आए हैं। अगर यहाँ पे आप मेरा कलर्ड हेयर देखो तो ये बहुत ज्यादा इनहेंस हुआ है, इसमें पहले वॉयलेट अंडरटोन आ रही थी जो कि इसमें से बिल्कुल रिमूव हो गया, वॉयलेट कलर जो था, और पता नहीं क्यों ये बहुत ही ग्लोसी लग रहा था, कैमरे में इतना विजिबल नहीं हो रहा लेकिन वैसे देखने में ये बहुत ही अच्छा कलर लग रहा था। कलर हेयर वाले इसको टोनिंग के लिए यूज कर सकते हैं। और ये वाला सैंपल मेरे हेयर्स का था जो कि 7 लेवल के थे, इसकी टोन भी चेंज हुई है, आपको क्लियरली विजिबल हो रहा होगा, और ये 9 लेवल तक गया है, और इसमें से भी जो है न्यूट्रलाइज हुआ है हेयर, जो है इसमें से भी टोन्स रिमूव हुई है। अगर आप गौर करो, टोनिंग से मुराद मेरी ये, जब आप हेयर कलरिंग करते हो तो आपके हेयर्स में कुछ पिगमेंट्स रह जाते हैं, तो उसके लिए ये हेयर कलर जो है वो मैं कह रही हूँ कि उसने टोन कर रहा है हेयर्स को, हेयर्स के पिगमेंट्स को न्यूट्रल किया है इस हेयर कलर ने। और यहाँ पे आप देख रहे हो इसके ऊपर ये इसमें से ग्रीन रिमूव हो गया और ये बेज ब्लॉन्ड आ गया है। सो ऑलरेडी किसी ने हाईलाइट्स किए हुए हैं तो वो भी इस कलर को अप्लाई कर सकते हो, नीचे जो कलर है वो भी टोन हुआ है, ये आप अगर गौर करो
तो जो इसका बेस कलर था वो भी टोन हुआ है और वो भी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है ये वाला। आप खुद ही देख सकते हो, आपको आइडिया हो रहा होगा। और अगर आपको एश ग्रीन वाला देखना है, वो मैंने कैसे किया था तो वो मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, ये वही वाला सैम्पल था, आप उसको भी जाके चेकआउट कर सकते हो। सो होपफुली आपको आज का वीडियो भी अच्छा लगा होगा और आप लोगों को काफ़ी हद तक हेल्प हुई होगी। और ये पीछे आप कलर भी देख सकते हो कि एक्चुअल इनका कलर क्या था और इसके ऊपर क्या क्या कलर्स आए। होपफुली यू विल अंडरस्टैंड एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।